देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऐसे लोगों पर दर्ज केस वापस लेने के लिए मंजूरी दे दी है जिन्होंने सख्त लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल के इस फैसले से कुल 164 से ज़्यादा प्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए 25 मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह फैसला लेते हुए कहा, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ये देखा गया कि ये उल्लंघन बहुत छोटे हैं जो लाचार और बेबस प्रवासियों द्वारा मजबूरी में कोरोना लॉकडाउन के दौरान किए गए। सुप्रीम कोर्ट के 9 जून 2022 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए भी ये फैसला लिया गया है जिसमें कहा गया कि ज़्यादातर लोग अपनी आजीविका भी खो चुके थे जिसके चलते वह किराया भी नहीं दे सकते थे और अपनी मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकते थे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन के दौरान DDMA एक्ट का उल्लंघन करने के कुल 43 मामले बने थे। इन 43 मामलों में से 18 मामले पहले ही अदालत में निपट चुके हैं, बाकी 25 मामले वापस लेने की मंजूरी उपराज्यपाल ने दे दी है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन प्रवासियों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने रोजी रोटी के लिए कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया था। इसके अलावा बात कोरोना की हो रही है तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसारने लगा है। बात की जाए बीते 24 घंटों की तो दिल्ली में कोरोना के कुल 2076 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं डराने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली का संक्रमण दर करीब 11% से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना करें, हाथ बराबर धोते रहें और कोरोना के सभी नियमों का पालन ज़रूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।